So welcome to Gen Tutorial series. Gen Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Today we are studying about physics, current, electricity. लगभग खत्म होने वाला है. 25th वीडियो चल रहा है. बस अगला वीडियो में चैप्टर पूरा खत्म. एक भी टॉपिक नहीं छोड़े. सारा फॉर्मूला के अगला वीडियो आपको सब कुछ मिल जाएगा. सब थोड़ा सा भी जाने की तो नहीं मेरे सॉल्व कर सकते. तो हम लोग पिछला वीडियो पढ़े थे सन. कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर बना सकते हैं. तो क्या करना होगा, एक गैल्वेनोमीटर से बहुत कम रेजिस्टेंस एक शंट यूज करना चाहिए जिससे ज्यादा करंट इससे इसका आई करंट का कुछ भाग कम करंट इससे क्योंकि जी का वैल्यू ज्यादा है शंट से. इसका रेजिस्टेंस क्या होता है लो, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है वेरी हाई. तो ज्यादा करंट इससे जाएगा आई करंट इससे जाएगा आई जी करंट इससे जाएगा आई करंट पास कर जाएगा. फुल स्केल इक्वेशन एक क्वेश्चन और बना के दिखा रहे, ध्यान सुनिए. हाउ विल एग्जाम का क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इनटू एन आमीटर टू रीड ए टू शो ए करंट या पास ए करंट ऑफ जीरो से लेके 2 एम्पियर तक का करंट को पास कर दे. द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 20 मिली एम्पियर. फोर द गैल्वेनोमीटर हैज 100 डिवीजन 100 डिवीजन बना हुआ है एंड हैज क्या कैलिब्रेशन किया हुआ है 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन. मतलब एक बार कांटा घूमेगा इतना सा तो 2 मिली एम्पियर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना होगा 100 डिवीजन. ऐसे ऐसे 100 डिवीजन बांटा हुआ तो इसका पॉइंटर घूमता है. कुछ नहीं करना है, यही ट्रिगर यहीं से आमीटर बनेगा. तो कैसे आंसर लिखते थे, क्या क्या दिया है, जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर है, आई भी दिया हुआ है, आई जी भी दिया हुआ है, सब कुछ पता है. जी का वैल्यू कितना है बोलिए 20 ओम. करंट कितना पास करना है 2 एम्पियर. आई जी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, मैक्सिमम करंट कितना है 100 डिवीजन में 100 इंटू 2 मिली एम्पियर करना पड़ेगा 200 मिली एम्पियर 200 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर. यानी क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 1 या 2 बाई 10 या 0.2 एम्पियर. मतलब मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर इतना ही पास करता, लेकिन हमको पास कितना कराना है, कितना पास कराना है 2 एम्पियर करंट पास कराने के लिए. इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, एक संट यूज करेंगे ईच जॉइंड इन पैरेलल टू क्या गैल्वेनोमीटर. संट इज जॉइंड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर हूज रेजिस्टेंस कितना होगा, हूज रेजिस्टेंस ईच एस इक्वल टू हूज रेजिस्टेंस कितना पड़ेगा. क्या होता है फॉर्मूला, याद है आई जी इंटू जी बाई, सब कुछ दिया हुआ है आपको, बस थ्योरी जानना, कोई मुश्किल चीज नहीं है. आई जी का वैल्यू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0.2 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20. आई का वैल्यू कितना है 2. आई का वैल्यू क्या है 2 माइनस आई जी का वैल्यू कितना है 0.2 एम्पियर. तो कितना हो गया एस इक्वल टू मल्टीप्लाई की क्या 4 हो जाएगा और ये करेंगे तो 1. क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 40 बाई क्या होगा 18 होगा 20 बाई 9 होगा 2.24. बस क्या बोलेंगे फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं सो ए लो रेजिस्टेंस वायर ओ 2.2 ओम. इसी को तो क्या बोलते हैं लोग कोल्ड सन इज यूज इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर टू सो ए करंट ओ 2 एम्पियर. मतलब आमीटर बना रहा है करंट पता चल गया हम लोग को,
यही थ्योरी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारा चीज बता दिए शंट के बारे में, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से बता दिए। चलिए अभी हम बताएंगे कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बताएंगे हम लोग, क्लियर है? तो देखते हैं कैसे, नोट कीजिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कैसे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह बिहेव करते हैं, उसको पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर शंट यूज करते हैं। तो आप देखिए एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर, वीएम कैसे बनाइए? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल लगता है, फिर देखिए वही गैल्वेनोमीटर है, क्लियर है, ये बहुत कम करंट आईजी करंट पास कर सकता है। अब इसको हमको एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करना है तो क्या बनाइए, कितना वोल्टेज पास करना है? तो देखिए इसमें क्या करना चाहिए, वोल्ट मीटर इसका पोटेंशियल कितना, जितना है देखिए ये जो वायर है ये वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल दिखाएगा, जितना ऊपर है जितना गैल्वेनोमीटर का उतना ही होगा। आईजी तो बहुत छोटा है, आईजी जिसे 0.2 एम्पियर है और ये कितना है हमारे जनरेटर 10 है, तो कितना सॉरी 0.02 एम्पियर है और ये 2, तो 0.2 ही वोल्ट पास करेगा, लेकिन कुछ ज्यादा वोल्ट पास करना है, कैसे पास करेंगे? तो बस इसमें एक क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर को पास करेंगे, इसमें लो था, संट को यूज करेंगे पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, पिछला वीडियो में देखे होंगे तो वो एमीटर बनता है। अब देखिए अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कोइल है ना, ये कोइल में हाई रेजिस्टेंस वाला, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला, इसके जी का वैल्यू कम है और रेजिस्टेंस ऑफ शंट ज्यादा है, शंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या यूज कर शंट, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, इससे भी आईजी करंट जाएगा और इससे भी आईजी करंट जाएगा, क्लियर, सेम करंट जाता सीरीज में हो गया, तो क्या यूज करेंगे, ए हाई रेजिस्टेंस वायर इज used in a high resistance wire is used in series, series में जोड़ते हैं with क्या galvanometer to make it a voltmeter, clear है? सबसे पहला बात कोई पूछेगा इसको multipliers भी बोलते हैं क्योंकि voltage बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, multipliers जैसे series का voltmeter के voltage कितना कैसे जानेंगे, तो गैल्वेनोमीटर की है मेरे पास कैसे जानेंगे, तो एक ऐसा रेजिस्टेंस वायर यूज कीजिए जिसका हाई रेजिस्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आईजी करंट विल, देखिए प्रिंसिपल इसका, पास थ्रू किससे, गैल्वेनोमीटर एंड टू दैट ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर, आर रेजिस्टेंस का, दोनों सेम करंट जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं दोनों का रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं, तो टोटल करंट टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस क्या होगा V2, मतलब V ऑफ गैल्वेनोमीटर का कितना होगा IG इंटू क्या होगा G, IG इंटू G और इसी में से क्या जाएगा IG इंटू कितना वोल्टेज मापना है IG, इसमें IG करंट जा रहा है इंटू क्या होगा R, करंट जुट सॉरी पोटेंशियल जुट जाता है, इधर पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल यानी भी पोटेंशियल को मापना है ना, तो आईजी इंटू जी प्लस आर, यही क्या है इतना यूज करेंगे, या आर का वैल्यू चाहेंगे तो हम निकाल भी सकते हैं कितना रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो भी बाई आईजी इज इक्वल टू क्या होगा जी प्लस आर, सो आर इज इक्वल टू क्या होगा भी बाई आईजी माइनस क्या होगा जी, V by IG इधर आ गया माइनस G कर दीजिए, सो क्या बोलेंगे, सो A ध्यान सुनिए हाई रेजिस्टेंस, उसमें लो रेजिस्टेंस था, हाई रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड इन किसमें यूज्ड इन, सो ए हाई रेजिस्टेंस वायर इज यूज्ड इन सीरीज विथ क्या गैल्वेनोमीटर टू सो या पास वोल्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना भी वोल्ट को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे आईजी माइनस भी बाई आईजी माइनस जी, इतना यूज कीजिएगा ना तो भी वोल्ट को दिखा देगा,
अगर इसको यूज नहीं किया तो बहुत कम वोल्ट मिलेगा, क्यों? आई जी तो बहुत कम है और जी बहुत ज्यादा, मल्टीप्लाई में और कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस को यूज के दोनों जुट जाएगा, तो ये एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप रेजिस्टेंस जानते हैं कितना, इसका एक न्यूमेरिकल बना के दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए, शंट का टॉपिक चल रहा है, खत्म होने वाला है अभी। ये क्वेश्चन आगे दिखाते हैं शंट का, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के रखना है सीधा सीधा आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 30 ओम एंड कैन पास ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर ही करंट पास कर सकता है। अंडरस्टूड? मैक्सिमम फोर किसके लिए? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। हाउ विल यू, कैसे कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर टू सो ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट? 15 वोल्ट का दिखाना है, ध्यान से देखिए, कोई सर्किट है, क्लियर है, इसमें आईजी करंट आ रहा है 0.2 एम्पियर, जिसका जी का वैल्यू ये 0.2 ही एम्पियर कर सकता है, और 0.2 एम्पियर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 0.2 एम्पियर, कैलकुलेटर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ 30 ओम। अगर इससे अगर हम पोटेंशियल मापेंगे तो कितना आएगा? वी ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत कम आएगा, कितना? 0.2 × 30 कितना है? 6 वोल्ट आया, लेकिन हमको 15 वोल्ट मापना है, 15 वोल्ट को हमको मेजर करना है, पोटेंशियल 15 वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, सीरीज में यूज कीजिए, एक रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे वही आंसर निकल आएगा, कितना वोल्ट पास करना है? 15 वोल्ट, आर का वैल्यू निकाल देंगे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, याद रखिएगा, पैरेलल में सॉरी सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, उसमें पैरेलल में था शंट, इन दोनों संबंध देखिए, और कितना वोल्ट दिखाना है? 15 वोल्ट, यहां जितना 15 वोल्ट इसमें तो नहीं, 15 वोल्ट ये दोनों पैरेलल में, इसमें मतलब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो ये 15 वोल्ट दिखा तो 15 वोल्ट आएगा, क्यों? ये दोनों अप पैरेलल में, तो देखिए जो भी हो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू कितना? 15 वोल्ट। तो बोलिए एकदम सिंपल से बनाते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर वी ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वी ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, दोनों क्या है? सीरीज में है, दोनों में करंट कितना जाता है? सेम आई जी करंट जाता है, ओम्स में यूज हो रहा है, इसमें क्या है? जी, और इसमें क्या है? आर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सब चीज पता है, बी का वैल्यू कितना है? बोलिए 15, आई जी का वैल्यू कितना है? बोलिए 0.2, जी का वैल्यू कितना है? 30, और प्लस क्या हो गया? आर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो बोलिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 0.2 × 30 कितना हो गया? 6 इक्वल टू क्या? 6 हो गया, प्लस 0.2 आर, क्लियर है? इधर 9 इक्वल टू क्या? 0.2 आर, इधर आके माइनस कर दिए, सो आर का वैल्यू क्या? 9/0.2 या 90/2 इक्वल टू क्या? 40। देख रहे कितना ज्यादा, तभी कम आ रहा था, और किए थे तो सो ए वायर ऑफ सो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 45 ओम इज जॉइंड इन पैरेलल इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर टू सो कितना? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट के लिए 45 ओम जोड़ना पड़ेगा। अगर ये अकेले होता तो सिर्फ कितना पास करता है? 30 × 0.2 मतलब 60 वोल्ट पास करता है। हमको 15 वोल्ट दिखाना है, वोल्ट मीटर में 15 वोल्ट आना चाहिए, तो हम लोग एक आर को अंदर में कॉइल के अंदर में आर को जोड़ देते हैं, कितना हाई रेजिस्टेंस पर, तो 15 वोल्ट तक ये आराम से दिखाएगा हम लोग को, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? आंसर 45। एक और बना के दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, आप ही बनाइएगा, हम क्वेश्चन लिख देंगे, अभी आप बनाइएगा, एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। The resistance of galvanometer is 50 ohm.
विच कैन पास ए करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर टू शो ए वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट. अब फिगर ड्रॉ करिए, क्या दिया हुआ है, थ्योरी बता दिए कैसे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं. इज इट क्लियर, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट. यही दो टॉपिक है संट के लिए. जल्दी से बनाइए, तो अपने से लाइव क्लास चल रहा है, आप चलाइए अपने से बनाइए, मिटा लिया फिगर ड्रॉ करिए. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है. ये अधिकतम कितना करंट पास कर सकता है, 0.1 एम्पीयर. इसमें हम लोग को वोल्टेज शो करना है, वोल्ट मीटर कितना पास करना चाहिए, 12 वोल्ट. ये पास नहीं कर पाएगा 12 वोल्ट, ये सिर्फ 50 × 0.1. तो क्या यूज करना चाहिए इसके अंदर कोइल में, क्या एक हाई रेजिस्टेंस वायर आर को यूज करना चाहिए. तो आर का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो बस बी इज इक्वल टू क्या कीजिए, बी ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस बी ऑफ क्या होगा, सीरीज में पोटेंशियल जुट जाता है वो वाला थ्योरी यूज कर रहे हैं, और क्या हाई रेजिस्टेंस वायर, इसको भी शंट बोलते हैं, मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, शंट बोलिए मल्टीप्लायर बोलिए एक ही बात है. कितना वोल्ट दिखाना है, 12 वोल्ट. कितना वोल्ट, 12 वोल्ट. गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, आईजी करंट, यहाँ पे क्या होगा जी, इसमें भी आईजी करंट नहीं जाएगा, इसमें सेम करंट जाएगा नहीं, आईजी करंट आईजी को मत कर लिए, और शंट का रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं. 12 इक्वल टू आईजी का वैल्यू क्या है, 0.1. जी का वैल्यू कितना है, 50 प्लस आर. अंडरस्टूड, आर का वैल्यू और ज्यादा आ गया है, इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो बोलिए क्या होगा, 1.2 इधर आके डिवाइड हो गया, क्लियर है. 12 वोल्ट, आईजी का वैल्यू क्या, 0.1 एम्पीयर, और हमको आर यूज करना है, 50 प्लस आर, क्लियर है. तो यहाँ पे आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस इधर आके डिवाइड करिए, 12 by 0.1 इज इक्वल टू क्या होगा, 50 प्लस आर. 120 by 1 = 50 + 1. पॉइंट ऊपर चल गया, 1/10 होता है ना, तो पॉइंट ऊपर चला गया, समझ रहा ना, 1.01 लिख देना है, 12 by 1/10 लिख सकते हैं, = 50 + r. 120 by 1 = 50 + r. तो कितना हो गया, 120 = 50 + r, तो r का वैल्यू क्या है, 70 ओम हो गया. सो ए रिक्वायर ऑफ रेजिस्टेंस 70 ओम इज जॉइंड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर टू शो ए 12 वोल्ट. अंडरस्टूड, तो पूरा तरह से संट क्या है, मीटर डिश क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है बता दिए, आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ रहा होगा. बस एक वीडियो बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट बताएंगे और एक दो क्वेश्चन और हम बना के दिखाएंगे किरचॉफ लॉ से, जिससे कि आपको पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट से आएगा तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा. इसके पहले सारे वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम एप्लीकेशन तक हम डाल चुके हैं, आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए. इनके बाद शुरू होने वाला नेक्स्ट सीरीज शुरू होने वाला फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज है. तो मिलते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में.